और मैं हूँ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जिसका नाम है मिहिर। यस मिहिर। सो हम बैठे हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग मतलब हम लोगों की इन वे बचपन की शुरुआत हुई थी। एंड दिस इज़ द टेरेस मिहिर की बिल्डिंग की। मिहिर की बिल्डिंग इज़ जस्ट एडजेसेंट टू माय बिल्डिंग और दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एक हाईलाइट इस टेरेस की बताऊँ तो मुझे आप सन के यहाँ जो बिल्डिंग देख सकते हैं मे भी देख सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कैमरा इज doing the justice or not, that is the building of Mukesh Ambani. Before he Mukesh hamaro neighbor che. Yes, he is also a Guju and he is also not less than Mukesh Ambani actually. So ye kuch zyada ho gaya. Bahu paiso che. Those are the twin towers, by the way. Imperial towers, right? Yeah. So these are the tallest buildings in Mumbai right now. This terrace has always been special. यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी डांस प्रैक्टिस की है और बहुत लोगों ने फोटो देखने के लिए ट्राई किए हैं डीपी डिस्प्ले पिक पे। या जब सोशल मीडिया नया नया निकला था तो बहुत बार हम लोगों ने जॉइंट स्टॉकिंग ऑफ मेनी प्रोफाइल्स वो यहाँ पे बैठ के की है। हम लोग एक्चुअली जाते थे सेम क्लासेस 9th-10th में और हमारी मुलाकात हुई थी आई थिंक 123 नामक एक बस के बस स्टॉप पे। और वो दो साल में मेरी दो साइकिलें चोरी हुई। हाँ दो साइकिलें चोरी यार, मतलब दैट वाज सो हार्ड। जाना पड़ता था पुलिस में। यस पुलिस में साइकिल उठाई जो किक मिलने के लिए हम लोग करते हैं ना बच्चे टीनेज में कि यार जाना है क्लास या ऐसे तो टाइम सेव होना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हमारे पास बहुत काम होता था बट वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक द फुल ऑफ आर टाइम। तो हम लोग होते थे लाइक चलो क्लास हमारा क्लास कुछ 1.5-2 किलोमीटर दूर था और हम लोग सोचते यार टाइम सेव करना है तो क्या करना चाहिए, हमारे पास साइकिल है यार यूज़ करो साइकिल पे जाओ उसका। बट बहुत सारे किस्से हैं जो कैमरा पे बोले नहीं जा सकते बचपन के। एंड हमारा और एक दोस्त है उसका नाम है तेजस। ही वॉज द कॉन्स्पिरेटर इफ दैट इज़ अ वर्ड बिहाइंड मेनी ऑफ दोज कांड्स एज वी से। सो या बेटा हे सो दिस इज रूडी। हे रूडी एंड दैट इज कैस्पर। ये लोग का भी करण अर्जुन टाइप जोड़ी है। आरी रखी है गैराज में से टक इन कर रहा है उसकी ब्यूटी स्लीप के लिए। मेरी बीबी को मत दिखाना है। चार्मी ये देख लेना क्या बोल रहा है। बहुत सारे कंटेंट में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी बीवी को मत दिखाना, सोच लेना क्या क्या बोल रहा है ये। A few minutes later. तो करेंटली हम लोग हैं मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन में। पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जो मुंबई का फेमस लैंडमार्क है, गेटवे ऑफ इंडिया। Somebody's
Grill in Mumbai. Taj. Very famous and very expensive. मुंबई की गर्मी से बचने का ऑर्गेनिक तरीका खरीदा है गणपति बाप्पा। मैं इसे मम्मी का ऑफिस बुलाना ज्यादा पसंद करता हूँ। यार ये पुरानी पुरानी बिल्डिंगें देख के ना मजा आ जाता है। अब ये कौन सा बिल्डिंग है? दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज बिल्डिंग। ये हेरिटेज ये बिल्डिंग है। क्यों क्यों क्या हुआ था ऐसे? ओनली लॉन्ग लास्टिंग कास्ट आयरन बिल्डिंग इन द मुंबई एंड वंस अपॉन अ टाइम इट वाज नोन एज अ वॉटसन होटल, नाउ इट्स नोन एज एस्कलेड मेंशन। Okay, what's in it? Mark Twain wrote his one of the poems about crows. Oh, nice. Mark Twain used to stay here. I mean, वो रहा है कभी यहाँ पे? Yes. Oh, I mean, Mark Twain जैसा बड़ा writer मुंबई में इस खंडर में, मतलब अभी ये खंडर है, शायद वो time पे बहुत अच्छा दिखता होगा। किसी ने वेकअप सेट देखी होगी तो उसके बहुत सारे सीन्स यहाँ पे शूट किए गए हैं। और ये वही जगह है जहाँ एयर हमेशा चलती रहती है। हाँ, हवा हमेशा चलती रहती है। और अब हो गया सनसेट, इसलिए हमें सन नहीं दिख रहा, वरना बहुत अच्छा सनसेट यहाँ से देखने मिलता। थोड़ा खाना गुजराती घर का। आंटी ये क्या है? अच्छा ये तो चोपड़ा। चोपड़ा इज रोटी। रोटी इज कॉल्ड चोपड़ा। भाकरी इज कॉल्ड चोपड़ा। सही है, मुझे नहीं पता था पंजाबी सरनेम इज रोटी इन गुजराती। ढोकला एंड दिस इज स्प्राउट मूंग। क्या बोलते हैं वो? सात्विक। सात्विक भोजन ए बेस्ट भोजन हो छे, बराबर? हाँ। ये देख के मेरी मॉम बहुत खुश होगी, मैं ऐसे सब बोल रहा हूँ। बट नहीं, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। गाइस, दिस आर द प्लेसेस वेयर वी हैड बीन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड टाइम एंड वी आर जस्ट रिफर्बिशिंग दोस मेमोरीज अगेन। रिफर्बिशिंग। सो दिस वाज अ शॉर्ट ग्लिम्स, एक छोटी सी छोटा सा ट्रेलर ऑफ साउथ मुंबई एंड द हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, और जहाँ पे हम लोगों ने अपना बचपन बिताया वही सब जगह है। सो या बाकी कुछ तो था नहीं, अभी भी हम लोग साउथ मुंबई में घूम रहे हैं। मे बी थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे या कुछ टाइम पर एंड देन हेड बैक टू आवर हाउसेस।